दोस्तों, फिर हम बात करेंगे हार्ड कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, अपडेटेड लेवल्स और इस कॉइन के नेक्स्ट टारगेट्स क्या रहेंगे। 0.14 पर अभी कॉइन ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा ब्रेकआउट इसके प्राइस में कल से अभी तक देखने को मिला, जहां पर कल से अभी तक 100% का मूवमेंट है और एक अच्छी स्टेबिलिटी इस लेवल पर मेंटेन की हुई है। कुछ लेवल्स हैं जिनको ये कॉइन बैक टू बैक क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ लाइन्स भी ड्रॉ की है। मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर इसको एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, जिसको क्रॉस करने के बाद ये और भी बड़ा ब्रेकआउट ले सकता है और आने वाले टाइम में इसके टारगेट्स क्या रहेंगे, अभी क्विक टारगेट क्या रहेंगे, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है, ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जा सके, क्रिप्टो क्वारीज अपडेटेड लेवल सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 0.14 पर ट्रेड कर रहा है। हार्ड कॉइन जो है वो कावालैंड का कॉइन है। कावालैंड क्या है? कावालैंड एक डिसेंट्रलाइज मनी मार्केट है, जो कि कावा पर बिल्ट है। ये इनेबल करता है इनेबलिंग द लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ क्रॉस चेन एसेट्स। जो क्रॉस चेन एसेट्स है उनके अगेंस्ट में ये यहाँ से आप बोरो कर सकते हैं, जिस टाइप से हम बैंक वगैरह से लोन लेते हैं। जो आपके पास एसेट्स है उनके अगेंस्ट में आप वहाँ से कुछ भी बोरो कर सकते हैं, यानी कि कुछ अदर क्वाइंस बोरो कर सकते हैं या फिर उसके अगेंस्ट में ये कितना आपको एसेट्स प्रोवाइड करते हैं, इस टाइप की सर्विस इनके प्लेटफॉर्म पर मिलती है। 803 रैंक का ये कॉइन है, मतलब एक लो कैप कॉइन है, जिसकी मार्केट कैप 17 मिलियन की है। मैक्सिमम सप्लाई की अगर बात करें तो 200 मिलियन की इसकी मैक्सिमम सप्लाई है। सर्कुलेटिंग में अभी 134 मिलियन कॉइन जो है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई में है और अभी तक के लोवेस्ट एरिया पर ये कॉइन चला गया था, 0.0695 वाला लेवल, जो कि रिसेंट वाले 3-4 वाले लेवल से इस कॉइन ने डंप लिया था। उस लेवल से इस कॉइन ने ऑलमोस्ट अगर कहें तो 80% से भी ज़्यादा का डंप लिया था। और उससे पहले इस कॉइन ने, यहाँ अगर बात करें हम 2021 की अगर बात करें, तो वहाँ इस कॉइन ने 2.99 का लेवल ट्राई किया था। उसके बाद में बीच में यहाँ इस कॉइन ने 0.96 वाला लो जो है वो अभी 2023 के मिड में बनाया था, उसके बाद में बीच में ब्रेकआउट था। तो अभी ये लोवेस्ट एरिया से ब्रेकआउट ले रहा है और यहाँ पर मैं आपको वीकली का चार्ट में डायरेक्टली ओपन किया है। सबसे पहले मैं आपको टेक्निकली बता देता हूँ, तो यहाँ पर कॉइन को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वीकली के अंदर, जो है 0.10 वाला लेवल, जो कि प्रीवियसली यहां सपोर्ट था। यहां से इस लेवल से इस कॉइन ने बाउंस बैक लिया और यहां से 10 वाले लेवल से 3x का मूव लिया था इस कॉइन ने ऑलमोस्ट नवंबर से लेकर के तो मार्च अप्रैल मंथ के बीच में, तो ये बड़ा ब्रेकआउट था। अभी इस कॉइन ने जो पिछले वीक की क्लोजिंग हुई है उसमें तो 10 को लूज कर दिया था, लेकिन आज जो ब्रेकआउट हुआ है, कल से अभी तक जो ब्रेकआउट है उसमें इसमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, जहां पर बैक टू बैक इसने जो ऊपर वाले डेली में रेजिस्टेंस लेवल से को ब्रेक किया है और नेक्स्ट लेवल्स को इस कॉइन ने ट्राई किया है। तो यहां इस वीक की जो क्लोजिंग है, जो कि 2 दिन बाद होनी है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये कॉइन 10 से ऊपर वीकली क्लोजिंग करेगा। अगर 10 से ऊपर कर लेता है तो बहुत जल्दी ये कॉइन जो है वो और भी नेक्स्ट लेवल्स को ट्राई करेगा। लेकिन बीच में एक लेवल है जो कि ये रेड लाइन आपको दिख रही है, 13 वाला लेवल। अब यहाँ पर इसने अभी 13 को तो क्रॉस कर दिया है, लेकिन देखिए आपको ध्यान रखना है, कभी भी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल से है वो किस बेसिस पर यहाँ पर कैलकुलेट किए जाते हैं, तो जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती है तब तक वो जो सपोर्ट है वो उस टाइप से मेंटेन नहीं रहता है। तो अभी जैसे डेली में अगर हम बात करें तो डेली में भी इस कॉइन में कल जो है, कल की जो क्लोजिंग है वो 10 से ऊपर इस कॉइन ने की है, जहां पर 0.090 वाला रेजिस्टेंस लेवल था जिसको इसने क्रॉस कर दिया है और 90 को सपोर्ट बना लिया। अब आज की क्लोजिंग कहां पर होगी? ऊपर की तरफ 108 वाला रेजिस्टेंस लेवल है, जिससे ऊपर भी ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी क्लोजिंग कल सुबह होगी, तो कल सुबह 108 से ऊपर होती है या 125 से ऊपर होती है वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी टाइप से वीकली में भी जब 2 दिन बाद वीकली क्लोजिंग होगी तो यहां एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की तरफ एक और है, जो है 13 वाला लेवल। और अगर ये कॉइन 13 से ऊपर क्लोज कर लेता तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये बहुत जल्दी 2x 3x का मूव जो है इस लेवल से लेगा, और यहां से अगर ओवरऑल कैलकुलेट करें जो लोवेस्ट एरिया 0.0695 वाला, वहां से लगभग ये 30 तक ट्राई करेगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इस वीक से ऊपर क्लोजिंग होना और एक आध वीक में स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा, तो इस टाइप का मूवमेंट जो है ये वाला मोमेंट रहेगा। यहां से अगर हम आपको ड्रा कर
ड्रॉविंग इनेबल है इसमें, ड्रॉ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से ये जो है इन लेवल्स को ट्राई करेगा। अब यहाँ पर आपके लिए क्विक टारगेट्स की बात कर लेते हैं, ये तो टेक्निकल चीज़ें हो गई जिनको जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर टारगेट्स की बात करें तो जिन्होंने क्विक प्रॉफिट जनरेट करने के परस्पेक्टिव से किसी भी लेवल पर यहाँ बाई किया था, यहाँ बाई किया, तो वो यहाँ 16 वाले लेवल पर सेल करेंगे। ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा जहाँ पर आपको 60% पार्ट सेल आउट करना है, जो टोकन आपने होल्ड किए हैं उसका 60% 16 पर। और यहाँ 16 वाले लेवल के अराउंड से 148 अभी इसके लिए इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल डेली में, इससे रिजेक्ट नहीं होता तो ये फिर 18 तक भी आने वाले एक दो दिन में ट्राई करेगा या आज ही ट्राई करेगा। तो सेकंड टारगेट आपका 18 का, जहां आपको बाकी 40% पार्ट सेल आउट करना है। इस टाइप से 60-40 के रेशो में 16 और 18 पर सेल करना है। जो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में, यानी कि अगस्त के मिड तक का जो वेट कर सकते हैं, वो 20 तक का टारगेट रखेंगे जहां पर आपको 100% पार्ट सेल आउट करना है। इस टाइप से जो भी आपका प्रस्पेक्टिव है उस बेसिस पर आपको टारगेट लगा देने हैं। अभी ऐसी गलती नहीं करना कि जल्दीबाजी में ऊपर वाले लेवल पर बाई कर लें और 18 पर सेल कर दें, क्योंकि इस टाइप की गलतियाँ भी बहुत सारे लोग करते हैं, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। ये कॉइन ब्रेकआउट हो गया है, अभी बहुत सारे कॉइन्स बचे हुए हैं, हम रेगुलर आपको कॉइन शेयर करते हैं, उनमें से किसी भी कॉइन को आप ग्रैब करेंगे तो ब्रेकआउट एक दिन के अंदर नहीं होता, आपको कॉइन्स को बाय करके रखना पड़ता है और वेट करना पड़ता है। और जब भी एक अच्छा मोमेंट होता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर एग्जिट नहीं करना है, वेट करना है, और जब आप वेट करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। बस इंपॉर्टेंट यह है कि आप अच्छे लेवल पर बाय करें। और जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आते हैं, जो जल्दीबाजी में बहुत सारी गलतियां करते हैं, हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में एनरोल करें, वहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जाएगी, क्रिप्टो क्वेरीज, अपडेटेड लेवल सिग्नल शेयर किए जाएंगे, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर डीएम करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।